किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ फार्मर प्रोटेक्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपको सुमीमैक्स, एनएक्सटी, स्ट्रॉन्ग आर्म आदि के लाइव प्लॉट विजिट कराएंगे और बताएंगे कि इस बार कैसे इनके रिजल्ट रहे, कौन कौन से खरपतवार पर इन्होंने अच्छा काम किया, कौन से खरपतवार पर काम नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो मेहमान चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये जो प्लाट आप देख रहे हैं यहाँ पर 26/6/2023 को सुमीमैक्स का स्प्रे किया गया था 4 एकड़ में, जो सुमीटोमो कंपनी का आता है, जो कि कुछ इस प्रकार की पैकिंग में आता है जिसके ऊपर एक काला कुत्ता बना होता है, इसका स्प्रे जो है यहाँ पर किया गया था। तो अब हम आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ सुमीमैक्स का इस्तेमाल किया गया था, आपको यहाँ पर जो है खरपतवार की संख्या नहीं दिखाई दे रही होगी। जैसा कि कंपनी का जो लेबल क्लेम है उस पर इसका गाजर घास के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल बताया गया है, जो कि हमें मिला है, क्योंकि यह जो प्लाट है यहाँ गाजर घास की समस्या ही ज़्यादा थी, इस कारण किसान भाई ने सुमीमैक्स का इस्तेमाल किया। तो गाजर घास भी नहीं उगी है तो हम मान सकते हैं कि गाजर घास पर इसका बहुत अच्छा नियंत्रण है। दूसरा, अगर हम अन्य खरपतवारों की बात करें तो यहाँ पर दूसरे खरपतवार भी ज़्यादा नहीं उगे हैं सिवाय बोखनी को छोड़कर, एकमात्र बोखनी है जो उगी है और वह भी मर मर कर चल रही है। बाकी सभी खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण सुमीमैक्स ने किया है। किसान भाइयों, रिज़ल्ट तो इसका ज़बरदस्त मिला है, क्योंकि दवाई स्प्रे करने के तुरंत बाद पानी गिर चुका था। अगर देखा जाए तो पानी नहीं गिरता तो हो सकता है इसका रिज़ल्ट ना मिलता, इसलिए आप भी दवाई स्प्रे करें तो पानी का माहौल ज़रूर देखें। और सुमीमैक्स का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ गाजर घास की समस्या ज़्यादा हो तो। बस यही थी सुमीमैक्स की जानकारी और उसके रिज़ल्ट। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।